नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ महाभारत की 8 नीतियाँ। ध्यान रखेंगे तो कभी किसी काम में नहीं होंगे असफल। आज हम आपको महाभारत की ऐसी 8 नीतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आप ध्यान रखेंगे तो जीवन आने वाली परेशानियों का हल बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे और विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता पा सकेंगे। आज हम आपको महाभारत की ऐसी 8 नीतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आप ध्यान रखेंगे तो जीवन आने वाली परेशानियों का हल बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे और विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता पा सकेंगे। धर्म में आस्था न रखने वाले और सज्जन या ज्ञानी लोगों का मजाक उड़ाने वाले लोगों का विनाश जल्दी ही हो जाता है। झूठ बोलना या झूठ का साथ देना एक ऐसा अज्ञान है जिसमें डूबे हुए लोग कभी भी सच्चे ज्ञान या सफलता को नहीं पा सकते। धरती पर अच्छा ज्ञान या शिक्षा ही स्वर्ग है और बुरी आदतें या अज्ञान ही नरक है। बुरे कर्म जरूर करना चाहिए लेकिन उनका दिखावा बिल्कुल भी ना करें। जो मनुष्य लोगों के बीच तारीफ पाने के लिए या दिखावे के लिए उद्देश्य से बुरे कर्म करता है उसे उसका शुभ फल कभी नहीं मिलता। जिस काम को करने से पुण्य की प्राप्ति हो या दूसरों का भला हो उसे करने में देर नहीं करनी चाहिए। जिस पल में वे काम करने का विचार मन में आए उसी पल उसे शुरू कर देना चाहिए। मोह या लालच से मनुष्य को मृत्यु और सत्य से लंबी आयु और सुखी जीवन मिलता है। सभी लोगों के साथ एक सा व्यवहार करने वाला और दूसरों के प्रति मन में दया और प्रेम की भावना रखने वाला मनुष्य जीवन में सभी सुख पाता है। अपने मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले मनुष्य को जीवन में किसी भी तरह के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे मनुष्य के मन में दूसरों का धन देखकर भी जलन जैसी भावनाएं नहीं आती। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।